क्यों नहीं आएगा? ये देखो, ये बंदा जो अभी उठ के और ब्रश करके सीधा पेपर लेके बैठ गया। ये बंदा, मंदिर चलोगे? मनु, ईस्टर महेश्वरी मंदिर चलोगे? ना के ठीक है, तो मैं जाके आती हूँ, वरना वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो मैं जाके आती हूँ। हेलो, नमस्ते द्रमाचार्य जी, और हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे घर में अभी तक रात चल रही है, सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं रेडी हो गई हूँ नहा के मंदिर जाने के लिए। मंदिर जो हमारी सोसाइटी में ही है, अघोरेश्वर महादेव के मंदिर। हाँ, बाकी की स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ आके। चलिए, मुझे अभी देर हो रही है, मैं मंदिर जा के आती हूँ और फिर मैं आपको बाकी की बात बताती हूँ, जो भी है इंटरेस्टिंग है, सुनने जैसी है और देखने जैसी भी है। तो चलिए, मैं मंदिर जा के आती हूँ पहले, और आपको भी दिखाती हूँ हमारे अघोरेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, चलिए 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 चलिए। आके एक कप चाय। मनु, कहाँ लेके चल रहे हो? देखो, कल मैं कोटेश्वर मंदिर गई थी, दर्शन करके आई। वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा पैदल पैदल चलना पड़ता है और दर्शन नहीं होते हैं। तो पंचवटी चलो या धोलेश्वर चलो। सोनू, कहाँ जाना है? मंदिर जाने क्या हो सकता क्या है मनो? कौन है? अच्छा, शंकर भगवान बोल रहे हैं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज काफी टाइम के बाद मेरे घर में बन रहा है डीप फ्राई। ज्यादातर नहीं बनाती मैं, पर आज मन किया दाल वड़े बनाने का, तो दाल वड़े बनाए हैं, बन गए हैं, मनु ने खा लिए हैं, और अब ये बन रहे हैं शर्लिन के लिए। प्रियांशु तो चला गया, उसको लेट हो रहा था, बहुत टाइम बाद बनाया है कुछ डीप फ्राई। वैसे नहीं बनता मेरे घर में डीप फ्राई। चलो फ्रेंड्स, सबको नाश्ता दे दिया है, अब मैं करती हूँ अपने नाश्ते की तैयारी, मेरा ब्रेकफास्ट। चलो, करते हैं ब्रेकफास्ट।
ये क्या है? अच्छा ये, हाँ मंदिर गई थी तो पंडित जी ने टीका लगाया है ये। ये थोड़ा सा बड़ा। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। मैं ये खा रही हूँ डीप फ्राई, बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली मैं नहीं खाती हूँ, पर ये जो दाल वड़ा है इतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दाल होती है, तो अंदर थोड़े से वेजिटेबल्स जैसे कि मिर्ची और धनिया, हरा धनिया, मिर्ची और प्याज, तो ये मैंने डाल के बनाया है, तो इतना अनहेल्दी नहीं है ये, तो थोड़ा इतना खा सकते हैं कभी कभी। बाकी तो मेरा जो है रेगुलर ड्राई फ्रूट्स और जूस वही है। रही थी कि कल मैं आपको दिखाना चाहती थी, हमारे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पास के एरिया में जो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, मतलब ऐसा अजीब गरीब सा तो मेरे साथ ही हो सकता है ना, तो मेरे साथ ही हुआ है, तो जहाँ जाती हूँ वहाँ पपलू हो जाता है। अब आदत सी हो गई पपलू होने की। तो क्या हुआ है कल मैं दिखाती हूँ आपको। कल गई थी मैं कोटेश्वर महादेव का मंदिर दर्शन के लिए, और मैं आपको दिखाना चाहती थी। एक्चुअली मैं आपको वो इसलिए दिखाना चाहती थी, लेकिन हाँ, तो ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है ना, वो बहुत मतलब बहुत खूबसूरत मंदिर है। मंदिर बहुत बड़ा है और उसके आसपास का जो एरिया है वो मतलब एकदम पिकनिक पॉइंट जैसा है और बहुत मस्त है। तो वहाँ से अगर आप मतलब एक्चुअली मंदिर है वो साबरमती नदी के किनारे तट पे है, तो वहाँ से आप मतलब मंदिर के प्रांगण से यानी कि गार्डन से आप नीचे साबरमती नदी देख सकते हो। मतलब अगर जो नदी में पानी हो बारिश के टाइम में, स्पेशली बारिश के टाइम में उस मंदिर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छी होती है कि आप वहाँ से पूरी नदी देख सकते हो, और जैसे मतलब एक सुकून सा फील होता है। आप वहाँ थोड़ी देर बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसके सामने ही आपको दिखेगा हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम, तो वो भी है, तो वो वहीं से पास में से दिखता है, सामने ही दिखता है और इसी एरिया में है। और बाकी वो मंदिर जो है मतलब आप, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी मतलब खूबसूरती है वहाँ। तो मेरा मन था कि मैं आपको वो दिखाऊं, पर क्या हुआ है वो आप देखिए वीडियो में, और बहुत अच्छी जगह है। हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप अहमदाबाद में रहते हो और यहीं आसपास हो, या फिर अहमदाबाद में कहीं रहते हो, या फिर कभी अहमदाबाद घूमने आए हो और आपको मौका मिलता है कोटेश्वर महादेव मंदिर दर्शन का, तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती बहुत मतलब बेहिसाब खूबसूरती है वहाँ पे। बहुत मस्त मतलब सुकून वाली फीलिंग आती है वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा सा एटमोसफियर है वो मंदिर का के आसपास, जो गार्डन और जो एरिया है उसका, और स्पेशली बारिश के टाइम में तो बहुत मज़ा आता है, लोग पिकनिक मनाते हैं वहाँ पे। तो आप देखिए, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ सारी बातें क्या हुआ है। અંદર ફોન નહીં લેવા જ રે ફોન કોઈ ગાડી મૂકી જ અંદર નહીં લઈ જવા દે કેવું કરશે અરે બજે કમ ફોટા પાડ દે અંદર ને બા અંદર નહીં લઈ જવા દે અંદર નહીં લઈ જવા દે આ બજે કમ જેટલા પાડે કેટલા સુધી લઈ જવા દેશે આટલો સુધી આટલે સુધી કોઈ એટલો સુધી અચ્છા એવું છે એમ હા અંદર નહીં લઈ જવા દે અચ્છા થેન્ક યુ ઉબર Thank you.
अंदर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना कर दिया है, नहीं लेके जाने दे रहे हैं। अब मुझे मोबाइल बाहर रखना पड़ेगा, सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। चलो देखा आपने जैसे कि वहाँ पे फोटोशूट अलाउड नहीं है, फोटोशूट क्या मोबाइल ही अलाउड नहीं है मंदिर में, तो नहीं ले जा सकी और आपको अंदर से मंदिर नहीं दिखा सकी और भगवान जी के दर्शन भी नहीं करवा सकी। मैंने कर लिए, हाँ मैं जाके आई बाहर फ़ोन रख के और मंदिर में दर्शन कर लिए, पर वीडियो नहीं हो पाया, शूट नहीं हो पाया। पर पहले था, हाँ पहले था, इसीलिए मैं गई थी। एक्चुअली आज से 2-3 साल पहले गई थी, मतलब कोविड से पहले, तब तक तो अलाउ था और मैंने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए हुए हैं वहाँ पे और वीडियो भी शूट किए हुए हैं जो मेरे पास एक पेन ड्राइव में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी नॉट अलाउड, तो पता नहीं था ये, चली गई फटाफट। चलो जो भी है, अच्छा है, दर्शन हो गए। निकलना एकदम शांति से, कोई जल्दबाजी मत।